अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नाइव बाइस क्लासीफायर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि नाइव बाइस क्लासीफायर होता क्या है, ठीक है, और ये किस तरह काम करता है, और एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम रियल टाइम एग्जांपल, रियल टाइम वर्ड में कोई एग्जांपल को किस तरह हम रियल नाइव बाइस क्लासीफायर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन मॉडल है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन? अ क्लासिफिकेशन इज द मशीन लर्निंग मॉडल दैट इज यूज टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सर्टन फीचर। बेसिक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर की बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। बेसिकली हम फीचर देखते हैं और उसके फीचर की बेस पर डिसाइड करते हैं, अच्छा ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का है और इस क्लास का है। बेसिकली हम डिफरेंट मॉडल यूज़ करते हैं और उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसकी बेस पे, फीचर्स की बेस पे, और ये हमारा इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नाइव बाइस क्लासीफायर, बेसिकली नाइव बाइस क्लासीफायर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? अ नाइव बाइस क्लासीफायर इज द प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल डैश यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। बेसिकली जो नाइव बाइस क्लासीफायर है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल है जो प्रोबेबिलिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करता है, और ये प्रोबेबिलिटी के एल्गोरिथम पे काम करता है और क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है। द कोर ऑफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बाइस थ्योरम, और ये किस पे बेस करता है? ये बाइस थ्योरम पे बेस करता है। हालांकि जब हमें इसको समझने के लिए हमें पहले किसको समझना पड़ेगा? बाइस थ्योरम को, जिसके ऊपर ये सारा बेस करता है। व्हाट इज नेव बाइस एल्गोरिथम? के नेव बाइस एल्गोरिथम होता क्या है? यूजिंग बाइस थ्योरम वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम इसको यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं गिवन डैट बी हैज अकर, अगर बी अकर हुआ है। हेयर बी इज द एविडेंस, ए एंड ए इज द हाइपोथेसिस। बी हमारे पास क्या है? एविडेंस है, और ए क्या है? हाइपोथेसिस है। बेसिकली इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, अगर बी हुआ है तो हम ए के होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली वो इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं, ये होता है बेसिकली हमारे पास बाइस थ्योरम, और ये नीचे इसका फार्मूला दिया हुआ है। पी इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, बी इज़ द एविडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए इज़ द हाइपोथेसिस एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इज द एविडेंस। द अजम्पशन मेड हेयर इज डैट द प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर आर इंडिपेंडेंट, हम अज्यूम के ये करते हैं कि जो फीचर हैं वो सारे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं हर ऑब्जेक्ट्स के। डैट इज प्रेजेंस ऑफ वन पर्टिकुलर फीचर डज नॉट इफेक्ट द अदर, के जो एक ऑब्जेक्ट फीचर है वो दूसरे फीचर को, पर्टिकुलर फीचर को इफेक्ट नहीं करेगा। हैंस इट इज कॉल्ड नाइव, इसलिए हम इसे नाइव कहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल लेके रियल टाइम स्नैरियो में आपको समझाऊंगा कि नाइव बेस एल्गोरिथम काम कैसे करता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये 10 केसेस हैं, इसमें हमारे पास ये 3 उसके फीचर्स हैं, कलर, टाइप और ओरिजिन, ठीक है। ये बेसिकली आप कोई भी फीचर कह सकते हैं इसे, ठीक है। उन फीचर की बेस पे वो डिसाइड करेगा कि ये हमारा जो स्टोलन है वो येस आएगा कि नो आएगा। बेसिकली हमारे पास इसे आप आंसर कह सकते हैं, इस तीनों फीचर को लेकर जो डिसाइड करेगा उसके बाद यस आर नो में जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी बेस पे आप कहेंगे यस आर नो। लेट्स सपोज हमारे पास पहला फर्स्ट केस क्या है, रेड स्पोर्ट और डोमेस्टिक, और अगर रेड हो और स्पोर्ट्स की टाइप उसकी हो और ओरिजिन उसका डोमेस्टिक हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? यस। लेट्स सपोज केस 4 पे आ जाते हैं, अगर हमारे पास येलो हो और टाइप क्या हो, स्पोर्ट, और ओरिजिन क्या हो, डोमेस्टिक, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? नो। और हमारे पास कलर कितने हैं इसमें? कलर हमारे पास इसमें है 2, रेड और येलो, और टाइप कितनी है हमारे पास? टाइप भी हमारे पास 2 हैं, स्पोर्ट और सिंपल, और ओरिजिन भी हमारे पास 2 हैं, डोमेस्टिक और इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब लेट्स सपोज जैसे हमने अभी केस नंबर 4 देखा, उसमें हमारे पास क्या था? येलो है और कलर येलो हो और टाइप स्पोर्ट हो और ओरिजिन इम्पोर्टेंट हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? येस। इस तरह हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं, अगर कलर रेड हो, अगर स्पोर्ट हो और इम्पोर्टेंट हो फिर वो देगा यस yes। अगर 9th वाले केस की बात करते हैं, अगर हमारे पास रेड हो और सिंपल हो और इम्पोर्टेंट हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? स्टोलन में क्या हमारे पास हमें आउटपुट मिलेगी? नो।
अगर हम उससे इस 10 केसों की बात करें, ये जो हमारे 10 केसेस हैं, अगर इनकी बात करें, अगर मशीन को हम ये 10 केसेस देते हैं तो इसकी बेस पे वो आराम से आइडिया लगा सकता है कि अगर ये चीज़ हो, ये कलर हो, ये टाइप हो, ये ओरिजिन हो, तो मैंने इसको येस कहना है या नो कहना है स्टॉलन में। अगर इसको डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जैसा कि कलर रेड हो, ठीक है, और उसके बाद टाइप में हमारे पास सिंपल हो, ठीक है, और ओरिजिन में हमारे पास डोमेस्टिक हो, ठीक है, इसकी बेस पे अगर उसे यस और नो कहना होगा तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं इसे यस कहूँगा कि अब नो कहूँगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेव बायस एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अब इसी टेबल को यूज़ करते हुए हम एक छोटा सा अपनी सिनेरियो जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस सिनेरियो में, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ यस कितने हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है, 5/10। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सिनेरियो कितने थे हमारे पास, केसेस कितने थे, 10, उसमें यस कितने हैं हमारे पास, 5, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी होगी, 5/10। अब नंबर ऑफ नो की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं स्टोलन में कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ नो कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ नो भी हमारे पास कितने हैं, 5। सो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ नो विद कितनी होगी हमारे पास भाई, 5/10। 10 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड 5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ओके। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, अगर हम फीचर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू यस और नो, और वो कैसे फाइंड करेंगे हम, और क्या क्या आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ रेड्स कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ रेड कितने हैं हमारे पास, 5, और रेड के साथ बेसिकली इसको फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड कोई भी उसका फीचर विद रिस्पेक्ट टू यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीचर विद रिस्पेक्ट टू नो, इस तरह हम सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ यस कितने थे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी थी हमारे पास, 5, 5 को हमने डिवाइड कर दिया, और रेड कितने हैं जो यस के साथ अपीयर हुए हैं, यस के साथ कितने रेड आ रहे हैं, रेड यस 1, रेड यस 2, रेड यस 3, बेसिकली केस 1 में आ रहा है हमारे पास रेड के साथ यस, और केस 3 में आ रहा है रेड के साथ यस, और केस 10 में आ रहा है हमारे पास रेड के साथ यस, 1, 2, 3, इन 3 केसेस में हमारे पास यस आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू 3/5। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर रेड विद रिस्पेक्ट टू नो वो कितनी हमारे पास, अब हमने देखना है कि रेड के साथ किस किस केसेस में नो आ रहा है, नंबर 2 केस में हमारे पास नो आ रहा है, और नंबर 9 केस में हमारे पास नो आ रहा है, सो नंबर ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 2/5। इस तरह अब हम रेड का तो हमने केस सॉल्व कर लिया, इसे अब हम येलो का केस सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो विद रिस्पेक्ट टू यस कितनी दफ़ा अपीयर हुआ हुआ हमारे इस केस में, केस नंबर 5 के साथ येलो के साथ यस आ रहा है, और केस नंबर 7 में येलो के साथ यस आ रहा है, बेसिकली 2 के साथ हमारे इस सिनेरियो में 2 के साथ, 2 कलर येलो के साथ यस आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो विद रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू 2/5, 2 इज द नंबर ऑफ येलो कलर्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ इन केस ऑफ यस, यस इज द 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल केसेस। इस तरह हम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो विद रिस्पेक्ट टू नो फाइंड करेंगे। केस 4 में हमारे पास नो आ रहा है येलो के साथ, और केस 6 में हमारे पास नो आ रहा है, और केस 8 में हमारे पास नो आ रहा है, इस टोटल नंबर ऑफ येलो विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 3/5 आ गई हमारे पास। इस तरह के हम अब दूसरी फीचर की बात करें उसकी, जो कि हमारे पास टाइप है, तो टाइप में हमारे पास 2 एट्रीब्यूट हैं उसके, स्पोर्ट और सिंपल। सिंपल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू यस, अगर हमने वो देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे, सिंपल में देखते हैं कि सिंपल में हमारे पास यस कहाँ पे आ रहा है। सिंपल में हमारे पास सिर्फ केस 7 में यस आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू यस 1 आ गई हमारे पास। अच्छा सिंपल विद सिंपल की अब विद रिस्पेक्ट टू नो देखनी है हमने, केस नंबर 6, 7, ओके सेवन सॉरी केस नंबर 6, 8 और 9। केस नंबर
8 और 9 में हमारे पास नो आ रहा है. सो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 3/5. अब हम आते हैं सेकंड स्पोर्ट वाले फीचर की तरफ और एट्रीब्यूट की तरफ. अब इसमें स्पोर्ट वाले में हमारे पास नंबर ऑफ यस कितने हैं, केस वन में हमारे पास आ रहा है और केस थ्री में हमारे पास यस आ रहा है और केस फाइव में हमारे पास यस आ रहा है और केस टेन में हमारे पास यस आ रहा है. टोटल नंबर ऑफ यस कितने हो गए हमारे पास, 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट विद रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू 4/5. अब हमने स्पोर्ट की विद रिस्पेक्ट टू नो के साथ देखनी है प्रोबेबिलिटी. केस टू में हमारे पास नो आ रहा है और केस फोर में हमारे पास नो आ रहा है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 2/5. अब हम अगर लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो फीचर हैं उसके, डोमेस्टिक और इम्पोर्ट. ठीक है, दो एट्रीब्यूट हैं ओरिजिन फीचर के, डोमेस्टिक और इम्पोर्टेंट. अगर हम पहले डोमेस्टिक ही निकाल लेते हैं, डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू 2/5. ये कैसे आई है हमारे पास, डोमेस्टिक में यस कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है. केस वन में डोमेस्टिक के साथ यस आया और केस थ्री में डोमेस्टिक के साथ यस आया है, 2 टाइम्स ये अपीयर हुआ है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू 2/5. अब हम नो के लिहाज से देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू नो केस टू में अपीयर हुआ है, केस फोर में अपीयर हुआ है और केस एट में अपीयर हुआ है. सो नंबर ऑफ टोटल केसेस इज 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 3/5. नेक्स्ट हम अगर इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यस ये कितनी दफ़ा अपीयर हुआ हमारे पास. ये हमारे पास केस फाइव में अपीयर हुआ है और केस सेवन में अपीयर हुआ है और केस टेन में अपीयर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस विद इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू 3/5. अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नो वो कितनी हमारे पास आती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट ये हमारे पास एक केस नाइन में आई है और एक केस सिक्स में, केस सिक्स और नाइन में दो केसेस में हमारे पास अपियर हुई है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 2/5. और हमने इस तरह ये हमने अपना छोटा सा टेबल यूज बना लिया जो हम फर्दर कोई भी इसमें से जो ऐसे सिनेरियो होंगे जो इसमें नहीं एग्जिस्ट करते होंगे उनको फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास जैसे कि हमने एक सिंपल एग्जाम्पल ली थी कि हमारे पास एक सैम्पल एक्स है, उसके फीचर क्या क्या है. रेड है, सिंपल है और डोमेस्टिक है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. रेड है, सिंपल है और डोमेस्टिक है. ठीक है, अब इसकी बेस पे उसने डिसाइड करना है कि अब मैंने इसको स्टोलन में यस कहना है या नो कहना है. तो वो कैसे फाइंड करेगा, बेसिकली हम इधर प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज़ करेंगे कि कितने परसेंट उसकी प्रोबेबिलिटी यस की है और कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी उसकी नो की है. और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली वो इसका राइट आंसर होगा. अब हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल, हम इसकी प्रोबेबिलिटी येस के साथ भी सैम्पल की निकालेंगे और नो के साथ भी निकालेंगे. ठीक है, तो इसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सैम्पल जिसको हमने फाइंड कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू येस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इज इक्वल टू उसके जो फीचर होंगे, हर फीचर को एक दफ़ा, हर फीचर को येस के साथ डिवाइड, हर प्रोबेबिलिटी हर दफ़ा हम येस की प्रोबेबिलिटी उस फीचर के साथ फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येस के साथ. ये इसका फार्मूला है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ येस और प्रोबेबिलिटी ऑफ येस दोनों साइड पे अपीयर हो रहा है इसलिए हम इसको क्रॉस कर दिया. और जो सिंपल हमारे पास फार्मूला बचा वो ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सैम्पल विद रिस्पेक्ट टू येस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फीचर क्या है हमारे पास, रेड विद रिस्पेक्ट टू येस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल जो कि दूसरा फीचर था, सेकंड फीचर था उसका विद रिस्पेक्ट टू येस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू येस जो कि उसका तीसरा फीचर था. अब हमने इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी प्रीवियस, इस टेबल को हम यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू येस की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू येस की 3/5. हमने 3/5 इसकी वैल्यू लगा दी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू येस की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू यस 1/5.
5, हमें उसकी वैल्यू पुट कर दी उसकी जगह। अब डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट यस, विद रिस्पेक्ट टू यस की हमारे पास क्या आई थी, 2/5, हमने उसकी जगह 2/5 लगा दिया। जब हमने इसको सिंपल सॉल्व किया तो हमारे पास 0.024 वैल्यू आई हमारे पास। अब हम इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सैंपल विद रिस्पेक्ट टू नो के साथ देखेंगे आप कि नो के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सैंपल, ये इसी तरह हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो दोनों साइड पे अपीयर कर रहा था इसलिए हम दोनों साइडों पे इसे कैंसिल कर दिया और जो सिंपल फार्मूला बचा वो हमारे पास बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फीचर जो कि रेड है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू नो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू नो, सिंपल इज द सेकंड फीचर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू नो और डोमेस्टिक इज द थर्ड फीचर। सो अब हमने जैसा कि पिछले प्रीवियस स्लाइड में इनकी वैल्यूज निकाली हुई हैं, जैसे हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस फाइंड करने के लिए पुट की थी, इस तरह हम अब नो फाइंड करने के लिए पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी रेड विद रिस्पेक्ट टू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 2/5, 2/5 की हमने वैल्यू पुट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू नो वो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल विद रिस्पेक्ट टू नो इज इक्वल टू 3/5, 3/5 की हमने वैल्यू पुट कर दी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू नो वो क्या हमारे पास आई थी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक विद रिस्पेक्ट टू नो 3/5 और हमने 3/5 की वैल्यू पुट कर दी वहां पे। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 0.072। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर वाले यस वाले केस में हमारे पास क्या आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सैंपल विद रिस्पेक्ट टू यस 0.024 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट नो वाले केस में हमारे पास क्या है, 0.072। सो अब हम देख सकते हैं इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जैसे कि आपको पता है कि 0.072 इज ग्रेटर देन 0.024, सो इज द आंसर इज नो, द आंसर फॉर द प्रेडिक्टर सैंपल एक्स इज नो। किस बेस पे ये नो आया है कि जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन सैंपल की तो हमारे पास वैल्यू छोटी आई, और जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू नो के निकाली तो हमारे पास वैल्यू बड़ी आई, और जो वैल्यू बड़ी होती है और वही हमारा आंसर होता है। सो द आंसर ऑफ द प्रिडिक्टेड सैंपल इज फॉर एक्स इज नो। इस तरह हमने देख लिया कि अगर हमारे पास ये कि अनसीन सैंपल आ जाता है, ठीक है, जो कि हमने लेबल नहीं किया होता, अगर उसकी हमने प्रिडिक्शन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इस बेस पे हम उसकी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि वो लास्ट जो हमारा स्टोलन वाला कॉलम था उसमें अब इसका येस आएगा कि नो आएगा, उसकी बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि ये इसमें नो आएगा। इस तरह हम नेव बायस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन रियल टाइम में इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, रियल टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम, मल्टीपल क्लास प्रिडिक्शन कर सकते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, स्पैम फिल्टरिंग कर सकते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, रिकमेंडेशन सिस्टम। ये इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन है जो एग्जिस्ट करती है नाइव बेस एल्गोरिथम की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।